हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द लॉयन किंग फिल्म के हिंदी डब के बारे में कि एक्चुअल में इस फिल्म की हिंदी डब अच्छी भी है या नहीं। कल तो क्या है वो डिटेल, चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने लॉयन किंग को हिंदी डब में भी देख लिया है और हिंदी डब को देखकर मेरा रिएक्शन सिंपल तरीके से कहूँ तो ठीक ही है, क्योंकि एक्चुअल में लॉयन किंग फिल्म की जो हिंदी डबिंग है वो खास करके बच्चों के लिए की गई है और उन लोगों के लिए जो लोग हॉलीवुड की फिल्मों में हिंदी एक्सेंट की डबिंग देखना चाहते हैं, जैसे कि थोड़ी टपोरी गिरी जो टिमोन और पुम्बा के कैरेक्टर हमें करते हुए नजर आते हैं पूरी की पूरी फिल्म में, और इन दोनों कैरेक्टर की वॉइस और किसी ने नहीं बल्कि संजय मिश्रा और श्रेयस तलपड़े ने दी है, और मेरे हिसाब से उनका काम बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि मुझे लगता है उन दोनों के ही हिस्से काफी सारे फनी डायलॉग्स आए हैं जो उन दोनों फनी कैरेक्टर्स पर काफी ज्यादा सूट करते हैं। बट अगर आपने इस फिल्म का इंग्लिश वर्जन देखा है और आप जाकर इस फिल्म के हिंदी डब वर्जन को देखोगे तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेकार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म में पूरे के पूरे डायलॉग्स को चेंज किया गया है, खास करके सारे के सारे कॉमेडी डायलॉग्स जो ऑब्वियसली टिमोन और पुम्बा के हत्ते ही आते हैं, उनकी डबिंग बहुत ही ज्यादा वर्स है, जिसका मतलब साफ है कि इंग्लिश वर्जन की फिल्में देखने वाले लोगों को फिल्म की हिंदी डबिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि जो जादू पुम्बा के कैरेक्टर में सेंथ्रो ने डाला है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। और अगर आपको इसका भरोसा नहीं है तो आप जाकर इस फिल्म का इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा, और उसके बाद बात करें पुम्बा के कैरेक्टर टिमोन की, जिनकी वॉइस विली ईचर ने दी है, उनकी भी कोई भी कंपैरिजन नहीं की जा सकती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, हिंदी डब होने के बाद फिल्म हिंदी ऑडियंस के लिए बनाई जाती है और वही लोग फिल्म हिंदी डब में देखने के लिए जाते हैं जिन लोगों को हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में देखना ज्यादा पसंद है। लेकिन अब द लॉयन किंग फिल्म के साथ थोड़ी सिचुएशन अलग है, क्योंकि इस फिल्म के साथ शाहरुख खान और उनके बेटे जुड़े हैं और इन्हीं कारणों से लोग इस फिल्म को एक बार हिंदी में जरूर देखने जाएंगे। लेकिन अगर एसआर के फैंस के हिसाब से बात करूं तो वो लोग जब फिल्म देखकर बाहर निकलेंगे तो उनका एक ही रिएक्शन होगा कि शाहरुख खान मुसाफा की वॉइस में बिल्कुल परफेक्ट थे, आर्यन खान सिम्बा की वॉइस में, यानी उन लोगों को कोई भी एंगल से फिल्म की हिंदी डबिंग में कोई भी खराबी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप किसी अलग एंगल से जाकर इस फिल्म को देखोगे, इन केस जैसे कि आप एसआरके के फैन नहीं हो और ना ही उसके हेटर, तो उस एंगल से आपको एसआरके और उनके बेटे आर्यन खान इन दोनों ही कैरेक्टर में सूट होते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। जी हां, क्योंकि यहां पर वॉइस टाइगर्स को देनी है, जिसका मतलब साफ है कि वॉइस बहुत ही ज्यादा भारी होनी चाहिए, जो कि पूरी फिल्म में इन दोनों कैरेक्टर्स की नहीं है। लेकिन अगर इनके इस बात की जाए फिल्म के विलेन स्कार की, जिसकी वॉइस आशीष विद्यार्थी ने दी है, ये वॉइस स्कार के कैरेक्टर पर बहुत ही ज्यादा सूट करती है और मुझे लगता है आपको पूरी फिल्म में स्कार की ही वॉइस बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। बट सभी को पता है कि फिल्म में स्कार के कैरेक्टर का ज्यादा काम है नहीं, यानी बीच बीच में हमें वो कैरेक्टर नजर आएगा। और अब मुझे पता है कि मेरे ऐसे बोलने से एसआर के फैंस कमेंट में काफी सारी गालियां लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सभी लोग ये हरकत कर चुके हैं तब जब इस फिल्म के हिंदी डबिंग टीजर को रिलीज किया गया था। एक टीजर था एसआरके का और दूसरा इनके बेटे का, जिसके बाद लोगों ने मुझे काफी भर भर के गालियां दी थी, और ऑब्वियसली वो लोग एसआरके फैंस थे, तो उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही बात कि डीप फिल्टर वॉइस यूज कर कोई भी आवाज को काफी ज्यादा डीप कर सकता है। लेकिन यही एक्सपीरियंस आप थिएटर में जाकर देखोगे तो जो वॉइस आप घर पर बैठकर अपने मोबाइल या फिर होम थिएटर के सिस्टम में सुन रहे हो, उससे ज्यादा अलग वॉइस आपको थिएटर में सुनने मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि वॉइस पूरी तरीके से अपोजिट है, जिससे हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि वॉइस फिल्टर सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के टीजर में यूज किया गया था, आई मीन डीप वॉइस फिल्टर, जो पूरी फिल्म में यूज नहीं किया गया है। और ये चीज डेफिनेटली जब आप फिल्म ही देखोगे तो ही समझ आएगी, क्योंकि जब सेकंड हाफ में सिम्बा के बड़े कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो उस टाइम पर लोग थोड़े ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे कि क्या सच में ये वॉइस आर्यन खान की है या नहीं, क्योंकि जो वॉइस लोगों ने इसके हिंदी टीजर में सुनी थी वैसी वॉइस आपको थिएटर में सुनने बिल्कुल भी नहीं मिलती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिल्म की हिंदी डबिंग सिर्फ दो एक्सेंट को छोड़कर काफी अच्छी की गई है, जिनमें से टपोरी वाला एंगल था और दूसरा था भोजपुरी एक्सेंट, जो सारे के सारे लकड़बग्गों को दी गई है। और सुनने में ये चीज काफी ज्यादा फनी भी लगती है कि लकड़बग्गे भोजपुरी एक्सेंट में बात करते हैं, जबकि इंग्लिश वर्जन में उन लकड़बग्गों की वॉइस फ्लोरेंस एरिक एडविस और माइकल की ने दी थी, जिनका एक्सेंट थोड़ा अफ्रीकन टाइप था, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और अब आ जाए मेरी रेटिंग पर कि मैं इसके हिंदी डबिंग वॉइस को कितनी रेटिंग दूंगा, तो ये रेटिंग होगी B- की, क्योंकि अब लोगों को इसकी आदत सी हो चुकी है कि वो लोग हॉलीवुड की फिल्मों में इंडियन एक्सेंट देखना जरूर चाहेंगे, और वही चीज स्टूडियो भी समझता है, और इसीलिए हॉलीवुड की फिल्मों को इसी एक्सेंट से डब किया जाता है, भले से ही कोई कितना क्यों ना कुछ बोल ले। और अगर सादे एक्सेंट में फिल्म बनाई जाती है हिंदी डब कर तो लोगों को वैसे एक्सेंट पसंद नहीं आते, जबकि अगर देखा जाए तो इस साल परफेक्ट हिंदी डबिंग अगर किसी हॉलीवुड मूवी की गई थी तो वो थी एक्समैन डार्क फीनिक्स, जिनकी हिंदी डबिंग हॉलीवुड के सारे डायलॉग्स को ध्यान में रखकर की गई थी, यानी कोई भी डायलॉग्स के साथ में छेड़छाड़ नहीं की गई थी उस टाइम पर, जो बाकी की हॉलीवुड की फिल्मों में हमें देखने मिलता है अक्सर करके। और अब लॉयन किंग फिल्म भी उन्हीं में से एक है। और अब जाते जाते मैं एक और बात कहूंगा कि मैं एसआरके का हेटर नहीं,
हूँ और ना ही बॉलीवुड के दूसरे किसी और एक्टर्स का, बट जो बात मैं हर बार कहता हूँ वो यहाँ पर फिर से रिपीट करूंगा कि जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। यानी एक्टर्स को एक्टिंग जो उन पर काफी ज्यादा सूट करती है और उनके कैरेक्टर के हिसाब से वो हॉलीवुड की फिल्मों में अपनी हिंदी वॉइस दे, ना कि जो कैरेक्टर उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता वो लोग आकर उस कैरेक्टर को अपनी वॉइस देने की कोशिश करे। ये चीज बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। खैर, तो जो लोग बार बार कमेंट करके ये कहते हैं कि फिल्मों को जज करने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ, वेल तो उनके लिए एक ही बात कि हाँ मैं कोई नहीं होता, लेकिन फिल्म देखने के लिए मैं अपने पैसे अपनी जेब से निकालता हूँ। और जो लोग खास करके ऐसी बात मुझे लिखकर भेजते हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो सभी लोग हर एक फिल्म जाकर थिएटर में देखते हैं, लेकिन मैं चाहे वो फिल्म बॉलीवुड की हो या फिर हॉलीवुड की, हर एक फिल्म थिएटर में जाकर देखता हूँ और अपनी जेब से पैसे भी निकाल कर देता हूँ। यानी मेरा पूरा हक बनता है कि मैं उस फिल्म को लेकर बात करूँ कि फिल्म अच्छी है या बुरी, और ये मेरा ओपिनियन होता है हर एक फिल्म को लेकर। इसलिए आप बस कमेंट करके ये नहीं डिसाइड कर सकते कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि कुछ चीजों की हद होती है जो कुछ बेकार और गधे हेटर्स अपनी लाइन क्रॉस कर करते हैं, खास करके लॉयन किंग फिल्म के टाइम पर। इस टाइम पर लोगों ने इतनी ज्यादा गालियां दी जो हद से ज्यादा बाहर थी, खास करके SR के फैंस जो एक हिसाब से फेक फैंस है, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सी बात का किस एंगल से रिएक्शन देना चाहिए, इसलिए वो लोग बस गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं उनका जवाब गालियों से नहीं बल्कि अपनी कुछ बातों से दूंगा। अगर वो लोग इससे भी नहीं समझेंगे तो यूट्यूब पर एक ऑप्शन आता है जिसमें मैं उन लोगों की कमेंट की गालियां बिना देखे डिलीट कर सकता हूं, और मैं ऐसा ही हर बार करता हूं, जो कि है इग्नोर। और अब इंस्टा पर भी वो लोग यही हरकत करते हैं तो वहां पर भी एक ऑप्शन है ब्लॉक का, जो मैं अक्सर ऐसे गधों के साथ करता हूं। वेल तो अब जिन लोगों को ये चीज बुरी लगी है उन लोगों के लिए काफी दिल से मैं सॉरी कहता हूं, लेकिन हेटर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा, उन्हें इग्नोर ही किया जाए तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है ये हेटर्स के लिए मेरी एक लास्ट वीडियो होगी, और आज के बाद कभी भी मैं हेटर्स को लेकर वीडियो बनाकर जबरदस्ती की कोई भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज हद से ज्यादा बाहर चली गई थी जो इस बार लॉयन किंग फिल्म की हिंदी डबिंग के साथ हुई है। तो अब आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक को यही खत्म कर मैं इस वीडियो को भी यहाँ पर खत्म करता हूँ। तो अब आपकी क्या राय है इन सभी के बारे में, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।